तो दोस्तों, यदि आप आलू की सब्जी खा करके हो गए हों बोर, तो आज हम एक नए तरीके की रेसिपी बनाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। जब आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो, खट्टा खाने का मन हो, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से बनती है और सबको बहुत पसंद आती है, साथ में बहुत झटपट बन जाती है। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और खाने में बहुत ही परफेक्ट स्वादिष्ट बनती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं, बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ की आलू ली हुई है। इनको मैंने अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद कुछ इस तरीके के पीसेस किए और इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, जिससे कि इसमें जो मिट्टी वगैरह हो वो सब निकल जाए और इसका स्टार्च निकल जाए जो ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। कढ़ाई रखते हैं, गैस ऑन करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डालेंगे ऑयल। तो मैंने ये सरसों का ऑयल डाला हुआ है, आप जो भी ऑयल खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। ऑयल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं और जब गर्म हो जाए अच्छे से, तभी इसमें हम मसाले डालेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट ख़राब ना हो। तो इसमें हम पंचफोड़न डाल देते हैं, आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हो। वैसे यदि आप ये मसाले डालेंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और अब हम क्या करते हैं कि इसमें डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालें, हींग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, क्योंकि बेसन की बनती है। तो आप थोड़ी सी ज़्यादा इसमें हींग डालें। तो देखिए, मैंने हींग डाल दी और इसको अच्छे से भुन जाने देते हैं। तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, जिससे कि ये मसाले हमारे लग जले ना। और अब हम इसमें ये आलू डाल देते हैं। अब इसको हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, बराबर चलाते हुए फ्राई करना है। तो बहुत कम मसालों से ये रेसिपी बनकर के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ज़्यादातर ये कच्ची आलू से ही बनाई जाती है। अच्छे से इसको फ्राई करना है, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच जितना नमक, क्योंकि नमक डालने से आलू जल्दी से पक जाएगी, इसलिए हम इसमें डाल देते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसे हम भून लेते हैं, जिससे कि थोड़ी सी ये क्रिस्पी हो जाए। साथ में इसमें हम देखिए, एक मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से लच्छे काटे हुए हैं। और हम डाल देते हैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्च। यदि आप चटपटा खाना पसंद करते हो तो और ज़्यादा डाल सकते हो, वैसे इतनी परफेक्ट है 2 से 3 हरी मिर्च। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा इसको हम भूनेंगे। आप चाहें तो जब मसाले डाले थे उसके बाद भी प्याज को भून सकते हो, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से इसको बनाया हुआ है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छे से हमें कलर चेंज होने तक प्याज को फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम 1 गिलास जितना पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमें आलू पकानी है। और दही यदि जब पड़ जाता है तो आलू थोड़ा सा देर में पकती हैं, पर इस तरीके से यदि आप पकाओगे तो आलू बहुत झटपट पक कर के तैयार हो जाएगी। अब इधर हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं बेसन। तो देखिए, मैंने 2 चम्मच बेसन डाला हुआ है, अब 3 चम्मच बेसन डाला हुआ है। बेसन डालने के बाद देखिए, उसमें जो लम्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो स्ट्रेनर से छान भी सकते हो। अब मैंने 200 ग्राम दही लिया हुआ है, इसको मैंने मथ लिया था दही को। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था। तो जब कढ़ी बनाते हैं तो थोड़ा सा खट्टा दही लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा खट्टा ना लें, थोड़ा सा खट्टा लें। अच्छे से इसको इस तरीके से मिक्स कर देते हैं। हमें फेंटना नहीं है, सिर्फ इसको मिक्स करना है। यदि आप इसको ज़्यादा फेंट दोगे तो कढ़ी ज़्यादा उबलती है, इसलिए हमें फेंटना नहीं है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो मैंने इसमें 1 कप जितना दही लिया था, तो 3 कप जितना पानी इसमें डाल देंगे। तो देखिए, मैंने पूरा भर दिया। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसे हमें चटपटी बनाना है, मसालेदार बनाना है। 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला हुआ है। और 1/4 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, कैमरे की वजह से थोड़ा सा कम मसाला समझ में आ रहा है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि लम्स ना रहें। तो बढ़िया से देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो अब हम आलू को चेक कर लेते हैं कि कितनी पकी हुई है।
तो हमें 80% आलू को पका लेनी है, क्योंकि दही में डालने के बाद आलू थोड़ा सा देर से पकती है, इसलिए 80% हम इसको पका लेंगे। और जो मैंने ये बैटर बनाया हुआ है इसको इसमें डाल देते हैं। अब आप गाढ़ी या पतली कैसी पसंद करते हो उस हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हो, या छाछ डाल सकते हो, दही डाल सकते हो। तो बाउल में थोड़ा सा पानी लेते हैं, उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर 4 कप पानी इसमें पड़ा हुआ है। अच्छे से इसको मिक्स करते हैं और बराबर चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई रखा हुआ है जिससे कि ये झटपट पकने लगे। तो बस बराबर चलाते हुए पकाना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। यदि आप बंद कर दोगे इसको चलाना तो लम्स पड़ जाएंगे। तो देखिए मैंने बराबर चलाया इसको और ये अब अच्छे से उबलने लगी है। थोड़ा सा इसको कुछ इस तरीके से और चला देते हैं जिससे कि ये तली में लगे ना और बढ़िया सी इसमें उबाल आने लगी है। तो अब हम क्या करते हैं, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और आधा इसको ढक देंगे। इसके बाद हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो गया है, कड़ी कुछ इस तरीके से पक गई है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नहीं पकी है। अच्छे से इसको चला देते हैं। 1 से 2 बार मैंने बीच में इसको चलाया हुआ है जिससे कि ये तली में लगे ना और इसका स्वाद खराब ना हो। कड़ी जितनी ही ज़्यादा पकती है उतनी ही बढ़िया स्वादिष्ट बनती है। तो आप देख सकते हैं कि पक करके ये गाढ़ी हो गई है। अब ग्रेवी आप इसकी अपने हिसाब से रख सकते हो। यदि आप थोड़ी सी पतली खाते हो तो थोड़ी सी पतली रखें, और गाढ़ी खाते हो तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डाल देते हैं ढेर सारी धनिया पत्ती जिससे कि इसका टेस्ट और फ्लेवर और बढ़ जाएगा और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। तो बढ़िया सी हमारी कढ़ी देखिए बन करके तैयार हो गई, बहुत अच्छी बनी है। तो जब भी आपका आलू का सब्जी खाने का मन ना हो तो आप इस तरीके से चटपटी बढ़िया सी खट्टी रेसिपी बना सकते हो। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और एक बर्तन में हम इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कलर आया है, और जितनी ये देखने में अच्छी लगी है उतनी ही खाने में ये स्वादिष्ट बनी है। साथ में झटपट बन जाती है, इसको बनाने में समय नहीं लगता है। मैंने बहुत से वीडियो डाले हुए हैं कढ़ी के, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप चेक कर लें तो आपको तमाम तरीके की कढ़ी मिलेगी। इसके साथ दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों हमारी बढ़िया सी कढ़ी बनकर के तैयार हो गई है। इस कढ़ी को आप रोटी, पूड़ी, पराठा, खासकर चावल के साथ खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया बनी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।